दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों हमारे YouTube चैनल हेल्थ फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीरोडल पी टेबलेट के बारे में। ये जीरोडल पी टेबलेट किस में काम आता है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से लास्ट तक देखिए, तभी आपको जीरोडल पी टेबलेट के बारे में अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको हमारे न्यू वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं जीरोडल पी टेबलेट के बारे में। ये जीरोडल पी टेबलेट इप्का कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका MRP 40 रुपीज़ है। 40 रुपये है, ये 10 का टेबलेट आता है। एक स्ट्रिप 10 टेबलेट का होता है। इसको आप हर एक मेडिकल स्टोर पे आसानी से ले सकते हैं। इसका जो कंपोजिशन है एसिक्लोफेनाक 100 mg है और पैरासीटामॉल 325 mg है। और ये को हम किस में यूज़ कर सकते हैं जीरोडल पी टेबलेट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पेन किलर और फीवर में भी काम करता है। ये पेन किलर मेडिसिन है, मसूगल पेन किलर। आपको आपके बॉडी में कहीं पे भी पेन किलर हो उसमें ये बेहद ही अच्छा काम करता है। अगर आपको फीवर है तो आप फीवर में भी ले सकते हैं। यह इप्का का पेटेंट दवा है। जीरोडल पी टेबलेट थोड़ा फुंसी में सूखने में बेहद ही फायदेमंद है। जीरोडल पी टेबलेट अगर आपको फीवर आ रहा है तो सेफेक्सिम 200 mg और जीरोडल पी के साथ में यूज़ कर सकते हैं। सेफेक्सिम 200 mg जीपी टेबलेट 200 mg का आता है, आप उसके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरोडल टेबलेट का जो साइड इफ़ेक्ट का ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट देखा गया नहीं है। अगर आपको जीरोडल पी टेबलेट यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यू तो इसका साइड इफ़ेक्ट है। इस टेबलेट का आप आदि हो सकते हैं और प्लस आपके स्किन में रेड कलर का चकत्ते, खजुलाहट और मितली होना, इस तरीके का इसका साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों जीरोडल पी टेबलेट यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, उसके बाद आप जीरोडल पी टेबलेट का इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आप सबसे पहले पा सकते हैं।